राजा अभिषेक
आपने देखा कितनी ज्यादा तबाही हुई है कुल्लू मनाली में और ऊपर पहाड़ों में। तो भाई इस तबाही में मेरे तीन दोस्त भी मारे गए हैं जो कि बहुत ही क्लोज थे भाई और क्लासमेट भी थे, क्लास फेलो भी थे। तो भाई बहुत दुख है इस त्रासदी में मारे गए लोगों को, मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में स्थान दे। और भाई उनके जो पीछे बचे हुए लोग हैं उनके साथ मेरी संवेदना है, भगवान उनको ये दुख सहन करने की शक्ति दे। और भाई नुकसान बहुत हुआ है ऊपर लोगों का, करोड़ों की बिल्डिंगें बह गई हैं भाई, अरबों खरबों का, मतलब अरबों नहीं खरबों का नुकसान हुआ है। तो बहुत ही तकलीफ होती है हमको यहाँ पर। और जब साथ में अपने नज़दीक के भी लोग जाते हैं तो भाई वो दुख जो है सहन करने के योग्य नहीं होता है, बट करना पड़ता है भाई। ये एक प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है भाई, तो परिवर्तन होगा। हम गंदगी फैलाएंगे, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि टूरिस्ट आकर के गंदगी फैलाते हैं भाई। टूरिस्ट तो आते ही है, हमारा भी उतना ही सहयोग है पहाड़ों को गंदा करने में, क्योंकि हम बोल देते हैं बाकी हम ध्यान देते नहीं। तो सबसे पहले तो भाई हमने प्रकृति को क्या करना है, स्वच्छ सुंदर और पेड़ कटने से बचाने भाई। जितने पेड़ का कटान हो रहा है भाई, जितने पहाड़ों को काटा जा रहा है नेचुरली वो कमजोर हो रहे हैं, पेड़ बच नहीं रहे हैं, जड़े रहेंगे नहीं जमीन के अंदर तो मिट्टी कहाँ से पकड़ में आएगी। वो तो ऐसे ही बहेगी, हल्के से छोटा सा बादल पड़ जाएगा वो फिर भयंकर रूप धारण कर लेगा। रही बात सुरंगों की और ये जो बड़े बड़े रोड बन रहे हैं भाई, माना जरूरी भी है बट इतना भी जरूरी नहीं कि जिनके लिए बन रहे हैं वही जिंदा ना बचे। तो भाई बहुत ही आज का जो आपने वीडियो देखा बहुत ही ज्यादा मार्मिक था और तकलीफ देने वाला था दिल को। तो हम प्रार्थना करते हैं कि दूसरी बार ऐसा ना होए, यही नहीं दुनिया में कहीं ना होए भाई। इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रकृति को सहज कर रखना होगा और हमें प्रकृति के अनुसार ही चलना होगा भाई। तो ठीक है, करते हैं वीडियो का यहीं पर एंड। तो भाई ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।